सो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दिस इज़ पीयूष गर्ग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा थार 4x4 के बारे में। भाई गाड़ी निगाहों निगाहों से दूर तक चली गई थी जब से 4x2 आई थी। अभी इसकी की है प्राइमरी एंड सेकेंडरी की, दोनों ही की आपको सेम ऑफर हो जाती है, बस उसके अंदर लॉक अनलॉक और फॉलो मी का बटन नहीं मिलता। अभी सेकेंडरी के अंदर आपको देखने के लिए बस ऐसा कुछ मिलेगा। अभी इसके अंदर जो मेन बात जो कंपनी ने रखी है ना, वो अब ये रखी है कि इसका जो डिस्काउंट मिलेगा वो 50,000 प्लस प्लस का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, चाहे आप कैश लें चाहे फाइनेंस लें इस गाड़ी को। अभी ये भाई LX वेरिएंट है, 4 सीटर हार्ड टॉप डीजल ऑटोमेटिक। अभी इससे ऊपर ना कुछ भी नहीं आता, ये टॉप एंड लाइन वेरिएंट है, अभी इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता। इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या 17-18 लाख रुपये फूक के हमें क्या फूक के नहीं भाई खर्च करके हमें क्या मिलता है महिंद्रा थार के अंदर, मतलब क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। गाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो गाड़ी की ओवरऑल लुक तो आपने देख ही रखी होगी, फिर भी देख लीजिए, ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है। मैं कहूँगा कि सभी के लिए नहीं है भाई, शौकीन लोगों के लिए ही है, फैमिली कार तो हम बोल ही नहीं सकते महिंद्रा थार 4x4 को। अभी इसके अंदर जो 4x2 वाला वेरिएंट आया था उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आपने देख ली होगी। तो इसकी जो खासियत है ना गाड़ी की, वो ये है कि ऑफ रोडिंग के मुकाबले में कोई और आप गाड़ी चूज़ कर ही नहीं सकते। मारुति की जिमनी भी लॉन्च हुई है, अभी पता लगेगी वो कहाँ तक इतनी कैपेबल है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये गाड़ी कीमत की बात करें तो 16,49,000 रुपये एक शोरूम प्राइस इसका आता है। इसके कुछ ऑटोमेटिक के बारे में बताऊं तो इसके जो ऑटोमेटिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा गियर शिफ्टिंग में पता भी नहीं लगती, इतना ज़्यादा मतलब स्मूथली गियर शिफ्टिंग वाला प्रोग्राम है इसका, मतलब जो भी ट्रांसमिशन है इसका बहुत स्मूथली है। अभी इसके बारे में बात करें तो फ्रंट और लुक आपको कुछ ऐसी निकल कर आती है, सामने आपको ग्रिल निकल दिखती है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ, ये साटन सिल्वर फिनिश दिखती है, महिंद्रा का लोगो दिखता है सामने। हेडलैम्प्स की बात करें तो हेलोजन बेस्ड आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर मिलते हैं हेलोजन बेस्ड। बोनट ओपन करने के लिए आपको यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा। बम्पर की बात करें तो काफ़ी बड़ा बम्पर आता है, थार लिखा यहाँ पर मेंशन होता है, नीचे नंबर प्लेट की जगह होती है, कुछ इस तरीके का क्लाइडिंग एरिया आता है पूरा ब्लैक ब्लैक। अभी ये जो कलर है ना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कलर है, 2-3 कलर एक ऐसे आते हैं वाइट ब्लैक एंड रेड, भाई बहुत फेमस कलर है। तो ये है भाई अपनी फ्रंट की लुक, साइड व्यू आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का आता है, ये देखिए यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की प्लेसमेंट है, आपको चाबी लगा कर ही खोलना पड़ेगा। 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है डीजल की, पीछे टायर मिलेगा अलॉय व्हील। अभी इसके अंदर जो AX वेरिएंट आता है ना वो 15-1 लाख रुपए का पड़ता है, पर उस जब इतने लाख रुपए 15 लाख रुपए खर्च ही कर रहे हैं तो लोग भाई 17 लाख भी खर्च करते हैं, टॉप एंड वेरिएंट ही लेते हैं। डीफॉगर भी मिलता है पीछे, 4x4 की बैजिंग मिलती है। रियर टेल लैम्प्स की बात करें तो आपको ये LED बेस्ड मिलते हैं, हेलोजन बल्ब मिलता है, टर्न इंडिकेटर का रिवर्स पार्किंग लैम्प मिलता है। ये पूरी हार्ड टॉप में है बिल्कुल, ये देख लीजिए, वह डोर इसका मैं बंद कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए ORBM भी ग्लॉसी ब्लैक है बट फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वाइपर्स मिलते हैं, वॉशर मिलता है। चलिए अब बात करते हैं साइड क्लाइडिंग की। यहाँ पर फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलता है क्लाइडिंग एरिया पे, ये आपको अलॉय व्हील मिलेगा वेंटिलेटेड डिस्क के साथ, क्रॉसिव अल्ट्रेशन टायर AT C8 का टायर है और 255/65R18 भाई 18 इंच का व्हील मिलता है, अलॉय व्हील मिलता है 18 इंच का, और क्या लुक निकल कर आती है इस अलॉय व्हील की ना, रोड प्रेजेंस की तो भाई बात ही अलग है। यहाँ पर थार मेंशन आपको मिलेगा, ये देखिए ORBM आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं कर सकते, बट आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड नहीं कर सकते बट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट आप कर सकते हैं। ब्लैक कलर का डोर हैंडल, ब्लैक कलर का क्लाइडिंग एरिया, 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 2450 mm का व्हील बेस आपको इसके अंदर मिलता है। महिंद्रा थार MHawk की बैजिंग मिलती है, 1.30 एंटीना की प्लेसमेंट मिलती है। अब बात करेंगे गाड़ी के अंदर चलकर गाड़ी कैसी है, अंदर से इंटीरियर डिज़ाइन की बात करेंगे कि क्या क्या आपको अंदर मिल जाता है। इस डोर को एक बार लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब इसके ना अंदर चल के देखते हैं भाई, इसका डोर मैंने ओपन करा ड्राइवर साइड वाला, थार की बैजिंग मिलती है, यहाँ पर अनलॉक हैंडल, ORBM में आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, छोटी सी जगह मिलती है यहाँ पर, बोतल होल्डर की प्लेसमेंट मिलती है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं मिलती। तो ये फुटरेस्ट, चढ़ते हैं गाड़ी के अंदर,
ये देख लीजिए। तो ये है भाई इंटीरियर, ये देख लीजिए। ये हैंडल मिलता है आपको कुछ इस तरीके का, यहाँ पर कंट्रोल मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने तरीके से स्पीड वो सेट कर सकते हैं, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, इस वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। एसी वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिशिंग का एसी वेंट मिलता है। क्लस्टर एरिया भी ऑन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर मिलेगा और नेविगेशन आप इसके अंदर मिल जाएगी, मतलब आप गूगल मैप खोल कर कहीं भी जा सकते हैं अपनी ऑफ रोड करने के लिए। यहाँ पर भाई कुछ सिस्टम्स मिलते हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, हिल एंड होल्ड असिस्ट मिलता है, पावर विंडो, ये गाड़ी को डोर लॉक करने का ऑप्शन है यहाँ से, और पैसेंजर एयरबैग ऑन एंड ऑफ दोनों ही, पैसेंजर भी और ड्राइवर साइड भी। तो यहाँ पर आपको गियर लेवल मिलता है 4x4 का, ये है भाई ऑटोमेटिक का, ये देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअली आप भी कर सकते हैं इसको। और ये आपको भाई हैंड ब्रेक मिलती है मैनुअली, 2 कप होल्डर मिलते हैं, और यहाँ पर ये क्रोम फिनिशिंग भी मिलती है साइड में, 2 पावर विंडो बटन मिलते हैं सीसी अप एंड डाउन करने के लिए। लेदर सीट विद फैब्रिक के साथ मिलती है, बहुत ही सॉफ्ट सीट है इसकी, ऑफ रोडिंग में हाथ बिल्कुल मजा आने वाला बैठने में, और यहाँ पर इसको पकड़ के बैठ सकते हैं अगर आप ऑफ रोडिंग बहुत ज़बरदस्त वाली कर रहे हैं तो, पैसेंजर आपका ये पकड़ के बैठने वाला है। IRVM की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको IRVM मिलता है। यहाँ पर सनसेट मिलता है जिसके अंदर कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता। अभी यहाँ पर मिलता है भाई एक मिरर इस सनसेट में, रूफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉप के साथ, मतलब कोई लीकेज वगैरह नहीं करने वाला एकदम, और आप पानी डाल के देख लेना ऊपर से एक बार लेते समय, ये आपको यहाँ से लाइट मिलेगी LED लाइट, बहुत ही ज़्यादा फ्लो है, बहुत ज़्यादा तेज चलती है। और यहाँ 2 ट्विटर प्लेसमेंट मिलती है, 2 स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग का AC वेंट, मतलब 1, 2, 3, 4 AC वेंट्स मिलते हैं। ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो एक ही ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा, और यहाँ पर आप अपने ये AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे आप हॉट एंड कोल्ड दोनों कर सकते हैं, और फैन की स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और ये रियर डिफॉगर, आपको फ्रंट डिफॉगर दोनों ही मिल जाते हैं, और यहाँ पर अपनी AC की हवा को एडजस्ट कर सकते हैं किस साइड से। यहाँ पर ये गियर नॉब मिलता है 2H, 4H, न्यूट्रल और 4 लो, प्रेस करके ये चलाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और ये देख लीजिए अपनी सीट, अभी अगर पीछे चल के दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मॉडल थार, यहाँ मतलब सीरियल नंबर लिख रहा है गाड़ी का, और अगर पीछे चल के देखते हैं कि गाड़ी कैसी है, मतलब पीछे की सीट्स कंफर्टेबल तो हैं बट थोड़ा जाने में ना रिस्की, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है जाने में, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। भाई बैठे हैं, देखिए कैसा फील कर रहे भाई पीछे बैठ के, भाई बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूं, कंफर्टेबल बैठे, मतलब जाने निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो है बाकी हम पीछे कंफर्टेबल बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बढ़िया एकदम। चलो सीट्स पे भी आपको थार मेंशन हो जाता है, आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हेडरेस्ट को दोनों ही, और पीछे वाले को भी सीट बेल्ट मिलती है आपको आगे भी और पीछे भी। और इसके भाई एक बार उस बूट की बात कर ले तो छोटा सा ही बूट स्पेस मिलता है इसके अंदर, अभी आपको दिखा देता हूँ, बूट स्पेस आपको बहुत छोटा सा मिल जाता है, ये देख लीजिए यहाँ से इतना सा बूट स्पेस मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक की बेजिंग, बूट स्पेस बात करें तो ये 100 लीटर का बूट स्पेस होगा बस इतना ही। अपनी सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं यहीं से, तो इसको कर लेते हैं बंद, पहले इसको खोलो और फिर उसको खोलो, और फिर पहले इसको लगाओ फिर उसको मत लगाना, टूट जाएगा, पहले उसको लगाओ फिर इसको लगाओ नहीं तो सब नाश हो जाएगा। ये मिरर पूरा मिलता है बड़ा सा भैया, महिंद्रा थार। ये तो बात कर ली हमने गाड़ी की, अब हम बात करेंगे कि क्या इसकी इंजन पावर आती है। अब भाई इसके अंदर 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है ऑटोमेटिक, जिसकी पावर है भाई 130 BHP और 300 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देती है। ये 4 सिलेंडर इंजन है डीजल का और टर्बो चार्ज इंजन है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंजन है ऑफ रोडिंग के लिए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। मैं कहूँगा कि इस प्राइस रेंज में इतना कुछ मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। महिंद्रा इस प्राइस रेंज में बहुत कुछ दे रही है, आप भी करना चाहते हैं महिंद्रा थार से ऑफ रोडिंग तो भाई इस प्रोडक्ट को ज़रूर चूज़ करें, प्लान करें। अभी 50,000 का आपके डिस्काउंट भी मिल रहा है इस प्रोडक्ट पर, चाहे आप कैश लें चाहे आप कैसे भी लें। तो ये अपनी महिंद्रा थार, आपको कैसी लगी गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Thanks for watching my video.